नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आयुष साहू आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल गृह निर्माण गुरु में। दोस्तों, आज हम जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं उसे कहते हैं डाइवर्शन। दोस्तों, डाइवर्शन क्या होता है, डाइवर्शन क्यों ज़रूरी है और डाइवर्शन क्यों कराना चाहिए, आज हम इस मुद्दे पर आपको डिटेल में जानकारी देंगे। दोस्तों, कि डाइवर्शन की कहाँ कहाँ आवश्यकता पड़ती है, डाइवर्शन कैसे कराते हैं, डाइवर्शन के लिए आपको किन किन दस्तावेज़ों की ज़रूरत पड़ती है, डाइवर्शन के लिए आपको किन विभागों में आपको आवेदन करना पड़ेगा। दोस्तों, आज हम उन सभी मुद्दों पर आपसे डिटेल में शेयर करेंगे हमारी जानकारी। तो दोस्तों, कोशिश करिए कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको आपकी सारी समस्याओं का समाधान इस वीडियो से मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, तो अब हम बात करने जा रहे हैं डाइवर्शन किसे कहते हैं और डाइवर्शन क्या होता है। दोस्तों, जब हम सामान्य ज़मीन लेते हैं तो वो ज़मीन होता है दोस्तों किसानी ज़मीन। तो किसानी ज़मीन को जब हम दोस्तों किसी दूसरे उपयोग के लिए अगर हम उसको परिवर्तन कराना चाहें तब हमें ज़रूरत पड़ती है डाइवर्शन की। तो दोस्तों, डाइवर्शन किस किस प्रकार के डाइवर्शन होते हैं दोस्तों, आज हम उस पर आपसे बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, अभी हमने आपको बताया डाइवर्शन कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, अब डाइवर्शन क्यों ज़रूरी है। दोस्तों, डाइवर्शन इसलिए ज़रूरी है अगर हम अपने किसानी ज़मीन का अगर व्यावसायिक उपयोग करना चाहें या औद्योगिक उपयोग करना चाहें या किसी निर्माण कार्य के लिए उपयोग करना चाहें दोस्तों, या बैंक से लोन लेने के लिए अगर हम लोन लेना चाहते हैं तो दोस्तों वहाँ भी हमें डाइवर्शन की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि अगर आप किसी भी बैंक में लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले बैंक अधिकारी पूछेगा क्या आपके पास कोई डाइवर्टेड ज़मीन है जिसे हम एडहॉक में रख सकें। तो दोस्तों, डाइवर्शन अगर हम नहीं कराते हैं और अगर हम निर्माण कार्य कर लेते हैं तो दोस्तों जो संबंधित विभाग है जैसा कि दोस्तों निगम होता है या आपका ग्राम पंचायत होता है, तो दोस्तों उनको यह पावर रहती है कि वो आपका जो निर्माण कार्य है उसे अवैध निर्माण कार्य घोषित कर सके और उसे तोड़ने का भी उनको अधिकार रहता है। तो दोस्तों, इसलिए हमें डाइवर्शन की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, तो मैं अब आपको एक और बात बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, डाइवर्शन कराने से हमको क्या बेनिफिट होता है। दोस्तों, डाइवर्शन कराने से हमको ये बेनिफिट होता है कि हमारे ज़मीन के मूल्य में वृद्धि हो जाती है। जैसे गवर्नमेंट की तरफ से दोस्तों अगर आपके ज़मीन का मूल्य 200 रुपये निर्धारित है तो डाइवर्शन के बाद उस ज़मीन का मूल्य जस्ट डबल हो जाता है, 400 हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर कोई सरकारी संस्था आपके ज़मीन को अगर अधिग्रहण करती है तो अगर आपको किसानी ज़मीन के रेट से अगर वो 200 के रेट से अगर आपको पे करेगी तो दोस्तों डाइवर्टेड लैंड का वो आपको 400 के रेट से पे करेगी। दोस्तों, तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं डाइवर्शन के लिए किन किन दस्तावेज़ों की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, जो भूमि स्वामी होते हैं जिनके नाम से ज़मीन है, दोस्तों आपको सबसे पहले मैं आपको पॉइंट वाइज बताते जाऊंगा कि आपको उनमें किन किन दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है हमारा दोस्तों B1। उसके बाद हम लेंगे दोस्तों दूसरा जो है हमको किस दस्तावेज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वो है नक्शा। उसके बाद आता है दोस्तों आपका खसरा। उसके बाद है दोस्तों आपका अधिकार अभिलेख, मिसल, और आपको जिस ज़मीन का डाइवर्शन कराना है दोस्तों उसका लेआउट। दोस्तों, इन दस्तावेज़ों की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, तो आपने सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लिए, अब इसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपको किन विभाग में आवेदन देना है कि दोस्तों जिसके लिए आप डाइवर्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको आवासीय उपयोग करना है या कमर्शियल यूज़ करना है, कमर्शियल यूज़ में दोस्तों दो तरीके के होते हैं, या तो आपको दुकान डालना है या तो उद्योग डालना है। तो दोस्तों, हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं आवासीय उपयोग के लिए। आवासीय उपयोग के लिए आप आवेदन करेंगे दोस्तों तहसील कार्यालय, आपके क्षेत्र के संबंधित तहसील कार्यालय में आप आवासीय उपयोग के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों औद्योगिक और कमर्शियल यूज़ के लिए। तो दोस्तों, उसके लिए आपको संबंधित विभाग में आप आवेदन करेंगे ही साथ ही साथ आपको कलेक्टर के पास एक आवेदन देना पड़ेगा। दोस्तों, अब आपने सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लिए, उसके बाद आपने आवेदन भी कर दिया। दोस्तों, अब उसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं कि किन किन विभागों से आपको NOC लेनी है और किन किन विभागों से होकर आपके डाइवर्शन के पेपर गुजरेंगे। तो दोस्तों, आवेदन करने के बाद सबसे पहला जो हमारा पेपर है वो आपके तहसील कार्यालय से फॉरवर्ड होगा कलेक्ट्रेट में। जो संबंधित अधिकारी दोस्तों वो आपके पेपर की पूरी जाँच करेंगे। जाँच करने के बाद दोस्तों वो अधिकारी आपके स्थल निरीक्षण के लिए आएंगे। स्थल निरीक्षण करने के बाद दोस्तों जब उन्हें लगेगा कि आपके सारे डॉक्यूमेंट सही हैं, आपका जो स्थल आप जिसका डाइवर्शन कराना चाहते हैं स्थल भी सही है, उसके बाद दोस्तों वो संबंधित अधिकारी दोस्तों वो आपसे शपथ पत्र लेंगे कि आप इस ज़मीन का डाइवर्शन कराना चाहते हैं। उसके बाद दोस्तों शपथ लेने के बाद, स्थल निरीक्षण करने के बाद, आपके दस्तावेज़ों को चेक करने के बाद दोस्तों वो आपके जो दस्तावेज हैं उनको संबंधित अधिकारी को फॉरवर्ड कर देगा। उसके बाद दोस्तों संबंधित अधिकारी के द्वारा आपके ज़मीन का
कर निर्धारण करने के बाद, कर निर्धारण दोस्तों, कर मतलब होता है आपका जो टैक्स, टैक्स निर्धारण करने के बाद आपके डाइवर्शन के पेपर को फॉरवर्ड कर देगा दोस्तों। अब फॉरवर्ड करने के बाद अब हमें किन किन विभागों से एनओसी मिलेगी उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे से आपको एनओसी लेनी पड़ेगी। उसके बाद आपका आता है फॉरेस्ट, फॉरेस्ट से आपको एनओसी लेनी पड़ेगी। आपके जिस संबंधित स्टेट से हैं आप, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से आपको एनओसी लेनी पड़ेगी। सिंचाई विभाग से आपको एनओसी लेनी पड़ेगी। उसके बाद आपका आता है नजुल विभाग, नजुल विभाग जो आपका टैक्स निर्धारण करता है उससे आपको एनओसी लेनी पड़ेगी। उसके बाद आपका आता है टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से आपको एनओसी लेनी पड़ेगी। और दोस्तों टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से एनओसी लेने के बाद आपका जो संबंधित विभाग है पीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूडी से आपको एनओसी लेनी पड़ेगी दोस्तों। तो इतने विभाग हैं जिनसे आपको एनओसी लेनी पड़ेगी और यहाँ से आपके जो डाइवर्शन के जो पेपर्स हैं वो इन इन विभागों से होकर गुजरेगी। तो दोस्तों ये मैंने आपको जानकारी दे दी कितने विभाग से आपको एनओसी लेनी पड़ेगी। अब दोस्तों हम इन प्रक्रियाओं के बाद दोस्तों डाइवर्शन का आपका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए हैं। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मैं आयुष गृह निर्माण गुरु बहुत जल्द मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।